মহিলাদের জন্য ভারতবর্ষ যে সুরক্ষিত সেই বার্তা ছড়িয়ে দিতে সারা দেশে সাইকেল নিয়ে পরিক্রমা করছেন মধ্যপ্রদেশের এক যুবতী। ভারতের 18টি রাজ্য সাইকেলে চড়ে ভ্রমণ করে বর্তমানে শিলচরে এসে পৌঁছেছেন মধ্যপ্রদেশ রাজগড় জেলার আশা মালবী। তার এই চলার পথে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কাছাড় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ অধীক্ষক নোমাল মাহাতো আশা মালবীকে কার্যালয়ে ডেকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে আশা জানান, 2022 সালের 1 নভেম্বর ভূপাল থেকে একা সাইকেলে করে যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। এখনো পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত সহ 18টি রাজ্য পরিক্রমা করেছেন তিনি। 16,200 কিলোমিটার পথ ইতিমধ্যেই পরিক্রমা করে নিয়েছেন। 19 নম্বর রাজ্য হচ্ছে মিজোরাম। মিজোরাম থেকে ত্রিপুরা যাবেন বলেও জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, তার এই ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মহিলা সুরক্ষা এবং মহিলা সশক্তিকরণ। তাকে এই পথ চলতে উৎসাহিত করার জন্য কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज नाडाराम से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ और माउंटेनियर हूँ। अभी मैं संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की, और यहाँ यात्रा मैंने भोपाल से शुरू की है 1 नवंबर को, और आज मैं हूँ कचस सिलचर डिस्ट्रिक्ट में, और मेरी भेंट यहाँ पर एसपी सर से हुई है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट का और स्पेशली एसपी सर का। और मेरी इस भारत यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की महिलाएँ भारत में भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं अकेले सोलो ट्रेवल करके पूरे देश की यात्रा करके पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। साथ ही कहीं ना कहीं आज हमारे देश के लिए भी अदर देशों में ये मानना है कि इंडिया इज़ ए नॉट सेफ कंट्री स्पेशली वुमेन, बट पूरे मेरा एक वर्ल्ड के लिए भी एक मैसेज है कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री ओवरऑल स्टेट एंड ओवरऑल प्लेसेस। और मेरी ये टोटल यात्रा 25,000 किलोमीटर की है। मैंने 1 नवंबर से इसको शुरू किया है और 15 अगस्त को मैं इसका समापन दिल्ली में करने वाली हूँ। और अभी तक मैंने 18 राज्यों का यात्रा कंप्लीट कर लिया है और मैं 19वें राज्य मिजोरम में जा रही हूँ। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो जो मैं पहले सुनती थी कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट में जब से आई हूँ, मैं असम से एंट्री मैंने किया है गुवाहाटी से, तो अभी तक जो असम के चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे IPS ऑफिसर हो, चाहे अदर ऑफिसर हो, चाहे वो SP सर हो या DC सर हो, जो मैंने असम स्टेट में देखा है, एक अपनेपन का अभाव, एक हेल्पफुल नेचर। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पूरे देश में जितने भी ऑफिसर्स हो या जो स्टेट हैं, उनको सभी को असम से कुछ सीखना चाहिए एक्चुअली। और मुझे असम आके काफ़ी अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे असम का, एंड मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ असम की। अभी तक 18 स्टेट कवर कर लिया है और अभी तक मैंने 16,200 किलोमीटर साइकिलिंग किया है, और 18 स्टेट में 16,200 किलोमीटर, अभी मेरा 10 स्टेट और बाकी हैं, और इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का हिस्सा है, वो चाहे स्टेट ना है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर भी जा रही हूँ। और यहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट कवर करने के बाद पटना के बाद लखनऊ होते हुए उधर शिमला श्रीनगर होते हुए चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से 15 अगस्त को मैं दिल्ली पहुंच रही हूं। एंड मैं असम में भी ऑनरेबल गवर्नर सर से भी मैं मिली हूं, और ADGP सर से भी मैं मिली हूं, और आज मैं कचर सिलचर SP सर से भी मैं मिली हूं। तो काफ़ी इनसे जो महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण मेरा उद्देश्य है, वो जानकर मैं सर से भी काफ़ी कुछ सीखी हूँ, और मैं एडिशनल सर से भी मैं मिली हूँ। तो जब मैंने चर्चा की सभी से जो मेरा उद्देश्य है उसके बारे में, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यहाँ पर महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड धन्यवाद। एगी महिला आशा जी एगी नेशनल प्लेयार्स और तुटे भारतवर्षते आँचनी लैसे गोटे भारतवर्ष सैकेले परिभ्रमण कर এটা বার্তা দিব বিচাৰিছে, যে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত এটা বার্তা দিব বিচাৰিছে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কাৰণে অতি ভাল কথা, আৰু এটা আমি ভাবিছোঁ যে এটা এনেকুৱা এটা বিষয় যি আজি মহিলা বিশ্ববিজয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে, বিশেষকৈ
নর্থ ইষ্টর বা উত্তর পূর্বাঞ্চল যখন মহিলা আছে, চাহ বাগিচার মহিলা আছে, গাঁও অঞ্চলের মহিলা আছে, যে সবলীকরণ করব এম্পাওয়ারমেন্টর কারণে একটা অনুপ্রাণিত করবর কারণে আগবাড়ি এই বিভিন্ন অঞ্চলত পরিবহন করে এই একটা বার্তা দিব বিচারিছে। এইটুক আমি স্বাগতম জানাইছো আর আজি আমার ইয়াত আহিলে আমি কথা পাতিল আমি খুব ভাল লাগিলে আর এটা মিজোরামলে যাব। গতি আমি নেক্সট কোর্স অফ তার জার্নি আমি সকলে আমার আমার ফলের আমি শুভেচ্ছা জানাইছো আর এই যে পরিক্রমা ই মানে সাকসেসফুল হোক সম্পূর্ণরূপে এই সফলকামী হয়ে উভতি যাওক আর 15 আগস্ট তারিখে তখেতে দিল্লিত গৈ পোৱা কথা। গতি আমি ভাবিম যে এই যে 1 নভেম্বরের আরম্ভ করে 15 আগস্টলৈকে এই যে বাইসাইকেলে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে মহিলাসকলের সবলীকরণের কারণে যে বার্তা দিব বিচারিছে এই এই যে বার্তা সফলকাম হোক সকলে সেইকাৰণে আমি আদৰিছোঁ আৰু আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ আমাৰ মানে কাৰ্যালয়ত যিসকল কৰ্মৰত মহিলা আছে তেওঁলোকো আহি স্বাগতম জনাইছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে যিটো উদ্দেশ্য লৈ আজি ভাৰতবৰ্ষ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আৰু মহিলাসকলৰ যিটো বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে সি অতি আশাপ্ৰদ আৰু সি অতি কৃতকাৰ্য হ'ব তাত মোৰ কোনো দ্বিমত নাই। থেংক ইউ। শিলচর থেকে অজিত দাসের প্রতিবেদন, CNN 24 নিউজ।